हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी आर्ट्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो हैप्पी आर्ट्स में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी से बनने वाली एक इतनी टेस्टी परफेक्ट मिठाई जिसको खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। और कोई भी त्यौहार हो या घर पे कोई मेहमान आ रहा हो या कोई फेस्टिवल हो जैसे कि दिवाली, रक्षाबंधन, उस पर भी आप इसको इंस्टेंटली बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सुपर मिठाई है। ना ही हमको दूध चाहिए, ना ही इसके लिए हमको कोई मावा चाहिए। तो चलिए देर किस बात की, झटपट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस सूजी की मिठाई को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी। और अगर क्वांटिटी में देखें आप ये कितना घी है, तो 10 से 12 चम्मच बड़े वाले ये घी है। आप अगर कप से मेजरमेंट ले रहे हैं तो 1/4 कप ये घी मैंने लिया है। घी को मेल्ट कर लेते हैं। घी जो है कढ़ाई में देखिए मेल्ट हो गया है। अब मैंने लिया है 1 कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल सूजी आती है उसको एक ग्राइंडिंग जार में डाल के आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए, आपके लिए बारीक सूजी बन के तैयार हो जाएगी। अब अच्छे से मिक्स करते हुए सारी सूजी को हमने घी में मिला लेना है। और इस टाइम पर गैस की फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है और लो फ्लेम पे ही हमको इस सूजी को भूनना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लगातार इसको चलाते रहें ताकि ये नीचे लगे नहीं। और इसको भूनने के लिए हम केवल लो फ्लेम पे ही इसको भूनने वाले हैं, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये जल्दी से कलर चेंज कर देगी। तो यहाँ देखिए ये सूजी जो है भून के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमको क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और हल्का ठंडा कर लेंगे हम इस सूजी को। हमको इसको बिल्कुल गरम गरम यूज़ नहीं करना है, हल्का ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने रवा को ठंडा कर लिया, यानी सूजी जो है हल्की ठंडी हो गई है। अब इस स्टेज पे इसको एकदम मावे वाला टेस्ट देने के लिए मैंने लिया है मिल्क पाउडर। और आप देख सकते हैं 1 कप से थोड़ा सा कम है ये मिल्क पाउडर जो मैंने यूज़ किया है। मिल्क पाउडर को हमको थोड़ा थोड़ा करके इस सूजी में मिक्स करना है ताकि लम्स नहीं बने। और हमको गरम सूजी में मिल्क पाउडर को इसलिए ऐड नहीं करना है कि अगर आप गरम सूजी में मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तो मिल्क पाउडर की जो है गाँठे बन जाती हैं, गुठलियाँ बन जाती है, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो बस इस बात का ध्यान रखें कि मिल्क पाउडर की कोई भी गुठली नहीं बननी चाहिए और ना ही रवा की कोई गुठली होनी चाहिए। अच्छे से बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करते रहेंगे और ग्रेजुअली ही हमने ये सारा मिल्क पाउडर ऐड कर देना है। तो मैंने बाकी का बचा हुआ मिल्क पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी वापस से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिल्क पाउडर को मैंने देखिए रवा के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब बिल्कुल परफेक्टली ये बनके तैयार है। अब क्या करना है, इसको हम साइड रखेंगे और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। और आप देख सकते हैं जितना मिल्क पाउडर लिया था ना, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर चीनी लिया है। सेम कप से हमको क्या करना है, इसमें पानी ऐड करना है। तो सेम कप से इसमें मैं 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये पानी इसमें ऐड कर देंगे। और अब आपको क्या करना है, चाहे तो आप इसको हाई फ्लेम पे चीनी गलने तक पकाएं, चाहे मीडियम फ्लेम पे पकाएं। तो हमने इसको तब तक पकाना है जब तक चीनी अच्छे से गल नहीं जाती। तो यहाँ देखिए चीनी जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। और साथ ही साथ इसमें मैं कुछ ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस की डाल रही हूँ जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। बहुत ज़्यादा केवड़ा एसेंस नहीं डालें किसी भी मिठाई में, 2-3 ड्रॉप्स बहुत इनफ होती है। अदरवाइज़ केवड़ा एसेंस क्या करता है ना, मिठाई को कड़वा भी कर देता है। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए और इनको पका लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक केक टिन ले लिया है जिसको मैंने बटर पेपर से देखिए कवर किया हुआ है और उसके ऊपर से भी मैंने घी लगाया है। इसमें हम इस मिठाई को सेट करने वाले हैं। आप जिस भी बर्तन में मिठाई को सेट करने वाले हों उस बर्तन को पहले से ही ग्रीस करके रेडी रखें। चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने मिक्सचर बना के रखा था ना मिल्क पाउडर और सूजी का, उस सारे पाउडर को इसमें ऐड कर देंगे। हमने चाशनी जो है ना ही 1 तार की बनाई है, ना ही 2 तार की बनाई है। हमने इसको बस हल्का सा चिपचिपा होने तक पकाया है जब तक हमारी चीनी अच्छे से गल नहीं गई और अच्छे से मिक्स नहीं हो गई। तो ये सारा मिक्सचर जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इस टाइम पे आपको गैस की फ्लेम लो मीडियम रखनी है और लगातार इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान इस बात का यहाँ पे भी रखना है कि कोई भी गुठली इसमें नहीं बननी चाहिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बस आपको इसको लगातार चलाते रहना है जब तक ये अच्छा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो आज जो हम बना रहे हैं रेसिपी, उसका नाम है सूजी मिल्क केक, यानी कि रवा मिल्क केक। तो आपने मिल्क केक मिल्क वाला तो बहुत खाया होगा, एक बार ये सूजी का बना मिल्क केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से पका लेते हैं जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता।
तो यहाँ देखिए रवा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गई है। इस टाइम पे आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और बस जल्दी जल्दी लगातार इसको पकाना है। जिस तरह से आपने देखा है ना मिल्क केक कैसा होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसमें थोड़े बबल्स जैसे बनने लगे हैं। तो बस यही चीज़ हमको चाहिए ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बन जाए, बर्फी नहीं बने, मिल्क केक बने। तो इसलिए इसको लगातार बस आप हाई फ्लेम पे लगभग 2 मिनट हमने चलाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। ध्यान इस बात का दें, बस लगातार चलाते रहें। और आप देख सकते हैं किस तरह का ये बन गया है, एक साइड पे देखिए ये इकट्ठा भी होने लगा है। अब हम इसको इससे ज़्यादा और नहीं पकाएंगे और ये बिल्कुल बन के रेडी है। और हल्का हल्का देखिए कहीं कहीं पे ना आपको कलर चेंज होता हुआ भी दिख रहा होगा, जैसे मिल्क केक होता है ना दो दो शेड में, तो उसी तरह का कुछ ये होता जा रहा है। अब बस ये बिल्कुल पक के तैयार है, इसको फटाफट से हम अपने केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हम इसको सेट करने वाले हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया, कितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है और बहुत अच्छा कलर भी इसका आ गया है। इसको मैंने केक टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको अच्छे से हमने क्या करना है, इक्वली स्प्रेड कर देना है। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया है बिल्कुल इक्वली। अब हमको क्या करना है, इसको सेट होने के लिए छोड़ देना है लगभग 2 से 3 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ देखिए हमारा मिल्क केक जो है बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको फटाफट से डीमोल्ड कर लेते हैं, इसमें से निकाल लेते हैं। तो बस आपको इसको टर्न करना है, थोड़ा ऊपर से टैप टैप कीजिए और ये बहुत आसानी से निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए अब जो बटर पेपर था ना उसको रिमूव कर देंगे। वाओ, बहुत अच्छे से सेट हो गया है और बहुत अच्छा देखने में भी लग रहा है और टेस्ट में तो ये बहुत बढ़िया होता ही है। अब आप इसको मनपसंद पीसेस में आप अपनी तरह से जैसे चाहे आप पीसेस में इसको कट करना चाहें उसी तरह से कट कर लीजिए, मैं इन सबको कट कर लेती हूँ। तो ये लीजिए तैयार है हमारा रवा मिल्क केक, जो कि देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। तो देखा आपने कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं, जो बच्चे से लेकर बड़े तक सबको बहुत पसंद आएगी। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी आज की पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और घर पर एक बार ये रवा मिल्क केक ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप मेरी रेसिपी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हैप्पी आवर्स में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।